ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। खड़ा उसको महाराज जी, एक सवाल था महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। अरे भर्ती वर्ती आई कैसे दौड़े खाली, ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा UC। दोस्तों, जनता के मुंह में जब जुबान आ जाती है तो सरकारों में कितने बड़े से बड़े बलजोधा बैठे हों, जवाब तो देना ही पड़ता है। अगर सरकारें अहंकार में जवाब नहीं देती, जनता किसी और को जवाब देने के लिए चुन लेती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, जहां CM से जनता जवाब मांग रही है, जहां डिप्टी CM से जनता जवाब मांग रही है, जहां डिप्टी CM के बेटे से जनता जवाब मांग रही है। सरकार का आखिरी साल है और आखिरी साल जनता सवाल लेकर उतर आई है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, जब जनता नेता को हीरो ना समझकर सच में सेवक समझने लगती है, तब तब नेता चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या किसी मुख्यमंत्री का लड़का हो, पकड़ लेती है और पूछने लगती है, तो आज आए हो, बता दिए, जनता दर्शन में आइए ना, आप एप्लीकेशन लिख के किसके पास दिए हो? सभी के पास, मेरे पास दिए हो, रिसीविंग है उसका फोटो का। अच्छा, इन युवा नेता जी का परिचय सुन लीजिए। ये है, इनका नाम है योगेश मौर्य, यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के ये सुपुत्र हैं। कौशाम्बी इनके पिताजी का इलाका है। 5 साल बाद योगेश विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जायजा तो तब मिलता ना जब विकास होता। गांव में डिप्टी CM के सुपुत्र जी को जो मिला वो ये सवाल थे, नगर पालिका के कर्मचारी लोग कहाँ गए, अधिकारी लोग आपके? मैं तो अधिकारी को लेकर आए हैं, मैं तो इस गांव पहले नहीं आया हूँ, तो आज आए हो, बता दिए, जनता दर्शन में आइए ना, आप एप्लीकेशन लिख के। केवल डिप्टी CM के बेटे ही नहीं, बीजेपी के डिप्टी CM जी को भी लोगों ने घेर लिया था, नौकरी और सड़क पर सवाल पूछ रहे थे। तो डिप्टी CM के पास भी कोई बहुत वाजिब जवाब नहीं मिला था। भर्तियों वगैरह पर वो कहते हैं कि बड़ी पारदर्शिता और बड़ी ईमानदारी से भर्तियां कराई जाएंगी, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, बेरोजगार परेशान हैं, युवा ऐसी ईमानदारी का क्या अचार डालेंगे क्या, जहां ईमानदारी नौजवान लड़कों को बेरोजगार बना रही हो, या फिर ईमानदारी नाम का शब्द सिर्फ नाकामी छिपाने की ढाल हो। अरे भर्ती वर्ती आई कैसे दौड़े खाली, दौड़ता दौड़ता थे ग्राउंड में खराब हो जाता लगातार। भर्ती भी आएगी, भर्ती में कोई बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी। नहीं सर, बेईमानी नहीं चाहिए हम लोग। अरे सर, ट्रेड मध्य परीक्षा फिर पेपर लीक हो जाएगी, खजाना खाली हुआ है, उसको भरने का काम किया जा रहा है, जिससे आप सर रोड पे ध्यान दे। नौकरियों के सवाल पर यूपी में बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए हैं, उसमें 4 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा कर दिया है। यूपी में अगर इसी दावे को शाश्वत सत्य मान लिया जाए तो जनता के मुंह से निकले सवालों को भी शाश्वत सत्य माना जाना चाहिए, आंदोलन करते छात्रों की चीखों को भी शाश्वत सत्य माना जाना चाहिए, लाठी खाते बच्चों की आह को भी शाश्वत सत्य माना जाना चाहिए। दोस्तों, नेतागिरी चलते ही झूठ के दम पर है। मैं इस महंगाई में आपको सस्ती शॉपिंग का तरीका बताती हूँ। 2021 का आखिरी महीना है और त्योहार का सीजन है, शॉपिंग में पैसे बच जाएं तो अच्छी बात है, इसीलिए शॉपिंग करनी है तो कैश करो से करो। कैश करो भारत का सबसे बड़ा कैशबैक देने वाला ऐप है, रतन टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, आपको 30% तक का कैशबैक मिल सकता है। अमेजन, स्विगी, अजियो, मिंत्रा, बिग बाजार जैसी 1500 से ज्यादा शॉपिंग वेबसाइट पर कैश करो से शॉपिंग कर सकते हैं। कैश करो पर जो कैशबैक मिलता है उसे आप अपनी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या अमेजन वाउचर में बदल भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। कैश करो को इस्तेमाल करना बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करिए या ऐप डाउनलोड करिए, इसमें मेरे कोड उल्टा 25 का इस्तेमाल करेंगे तो 25 रुपए आपको तुरंत बोनस में मिल जाएंगे। ऑरेंज बटन पर क्लिक करिए, कैश करो वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट पर जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, पेमेंट करिए, कैश करो के माई अर्निंग्स में आपका कैशबैक तुरंत आ जाएगा। अब बारी गिव अवे की है, जैसे बताया है वैसे ऐप डाउनलोड करके शॉपिंग करेंगे तो पहले लकी विनर को बोट ब्लूटूथ वाला हेडफोन मिलेगा, 10 लकी विजेताओं को 200 रुपए के Amazon वाउचर्स भी मिलेंगे। जब लोग सवाल पूछते हैं, चीखते हैं, तो डिप्टी CM तो छोड़ दीजिए, CM के पास भी जवाब
नहीं होता है, कभी जवाब नहीं देते, कभी झुलझुला जाते हैं। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटा उसको। महाराज जी आर्मी भर्ती ना है क्या? आर्मी है भर्ती है तैयार है महाराज जी। ये वीडियो जनता के जागने का सबूत है। सिर्फ बीजेपी नहीं, जहां भी जिसकी भी सरकार हो उससे सवाल पूछिए, उसने आपके लिए क्या किया है ये बताने के लिए मजबूर कीजिए, सरकारों से पूछिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई नहीं मरा, भविष्य में सरकारें आपसे इतना बड़ा झूठ ना बोल पाए। ऐसे झूठ पर तो धरती का कलेजा फट जाए, लेकिन नेताओं का नहीं फटता। क्या फर्क पड़ता है किसने कौन सा चोला पहन रखा है, पूरे भारतवर्ष के नेताओं ने एक स्वर में आपसे झूठ बोला है। सफेद झूठ आपकी आंखों में आपके सामने धूल झोंकी है। सदी का सबसे बड़ा झूठ भी किस अहंकार से बोला जा सकता है, वो आप यूपी सरकार के इस जवाब से समझ लीजिए। यूपी की विधानसभा में पूछा गया कि क्या यूपी में दूसरी लहर के समय किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। सरकार ने कहा कि दूसरी लहर में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुए ऐसी कोई सूचना नहीं है। नीचे संख्या पूछी गई तो जवाब में लिखा प्रश्न ही नहीं उठता। आप खुद से पूछिए, आपकी आत्मा से पूछिए, जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए उनकी विधवाओं से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए, क्या यह सफेद सरकारी झूठ नहीं है? अब है तो है। मैं प्रज्ञा मिश्रा इस पन्ने को बिल्कुल नहीं मानती। छोटी सी ही क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं तो समझिए। कांग्रेसियों की छोड़ दीजिए, डबल इंजन की सरकार में पहला इंजन कहता है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं, दूसरा केंद्र सरकार वाला इंजन भी यही कहता है कि हमको किसी ने बताया ही नहीं, तो हमको यही लगता है कि कोई मरा ही नहीं। पहला इंजन बोला रात है, दूसरा इंजन बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। दोस्तों आप सरकारें चुनते हैं तो उनसे सवाल भी कीजिए, भक्त मत बनिए, फैन भी मत बनिए। फैन बनेंगे तो नेता लोग आपको छत से लटकाकर नाचने के लिए छोड़ देंगे और आप 5 साल नाचते रहेंगे, कभी रोजगार के लिए, कभी भर्तियों के लिए, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी इलाज के लिए, कभी अस्पताल में एक बेड के लिए, कभी 5 किलो अनाज के लिए। पूछिए, जब आप पूछेंगे तब वो बताएंगे। दोस्तों फ्री में ईमानदार तरीके से पैसे बचते हैं तो बचाना चाहिए। करना कुछ नहीं है, बस शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे ना जाकर कैश करो से जाइए। न्यू ईयर और क्रिसमस पर होने वाली शॉपिंग में जितने भी पैसे बच सकते हैं बचा लीजिए। जितना कमाना जरूरी है उतना बचाना भी तो जरूरी है ना। दोस्तों चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञालाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर साथ आएंगे तो हमें सामर्थ्य मिलेगा, सच और मजबूत होगा और झूठ हारेगा। जय हिंद।